हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम लोग बनाने जा रहे हैं बेसन के लड्डू। और लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए ड्राई फ्रूट, जो कि हम लोगों ने कट कर लिए थे। एंड उसके बाद हम जो है एक पैन में घी डालेंगे देसी घी। उसमें हम सबसे पहले अपने आलमंड्स फ्राई कर लेंगे, उसको फ्राई करके निकाल लेंगे। और उसके बाद हम लोग जो है अपना इसमें नेक्स्ट डालेंगे कैश्यूज, काजू, जो कि हम लोग वो भी अच्छे से फ्राई करके निकाल लेंगे। इनको हम सेपरेट फ्राई करेंगे क्योंकि काजू जो है एकदम से थोड़ा जलने लगते हैं, तो काजू फ्राई कर हम लोग वो भी निकाल लेंगे अच्छे से। उसके बाद हम लोग जो है इन सब चीज़ों को एक ही बाउल में निकाल लेंगे। फिर उसके बाद हम जो है फ्राई करेंगे गोंद, जो कि गोंद जो होता है ये बहुत ही अच्छा होता है, कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा होता है। कुछ लोगों को कमर दर्द की जो है शिकायत रहती है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। इसको भी हम अच्छे से फ्राई करके निकाल लेंगे एक पैन में। फिर उसके बाद हम जो है पैन में घी डालेंगे। घी डालने के बाद उसमें हम लोग जो है बेसन डाल देंगे अपना पूरा। हमारे पास जो है ये हाफ के जी का पैकेट था पूरा, ये हम लोग हाफ के जी से थोड़ा ज़्यादा लिया, हमने और भी लिया था। इसको अच्छे से भूनने के बाद इसमें हम थोड़ी सी जो है सूजी ऐड कर देंगे। सूजी जो है बहुत ही थोड़ी, मतलब थोड़ी सी ऐड करनी है, थोड़ा इससे जो है क्रंची सा हो जाता है। तो सूजी ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से पूरा मिला लेंगे। फिर उसके बाद जो हमने ये गोंद जो पूरा फ्राई करा था हमने, इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे हल्का सा दरदरा। फिर उसको हम ड्राई फ्रूट्स के साथ मिला देंगे। एंड मिलाने के बाद जो है हम लोग शुगर ले लेंगे, शुगर अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट लेंगे। उसके बाद हम उसको पीस लेंगे, पाउडर बना लेंगे क्रिस्टल शुगर। फिर उसके बाद हम उसको जो है उस बेस भुने हुए बेसन में मिला देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हम अच्छे से उसको पकाना है ताकि उसमें लम्स ना रहें। उसको उसका जो है भूनना मतलब इतना है कि वो उसका कलर आप देखेंगे कि चेंज हो जाएगा, ब्राउन कलर हो जाएगा उसका। तो भूनते भूनते उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लगेगी, एक अरोमा सी आती है बेसन की। फिर उसके बाद उसमें हम जो है अपने सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल देंगे। इसमें आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं कोई से भी। फिर उसके बाद हम इसके लड्डू बना लेंगे। फिर हम लोगों ने रात का डिनर किया एंड रात को सोने से पहले मैंने लड्डू और फीका दूध पिया। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।